हेलो दोस्तों, वेलकम बैक बाय करम जी के दोस्तों चैनल पर आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हीरो की एचएफ डिलक्स 2022 मॉडल i3 रेस वाली यानी सबसे टॉप मॉडल। और एक भाई की कमेंट आई थी, भाई हीरो की एचएफ डिलक्स जो है i3 रेस वाले मॉडल की वीडियो बना दीजिए। तो इसमें क्या हुआ है दोस्तों, सारे बदलाव हम आपको दिखाने वाले हैं, यानी कि इसमें जो है 2022 में कंपनी ने क्या क्या चेंजेस क्या है और वो उससे आपको क्या लाभ मिलेगा और कंपनी क्या प्राइस रखी यानी कि कीमत पहले की अपेक्षा बढ़ी है या फिर कीमत वही है और नया क्या हुआ है इसमें। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। तो सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में दोस्तों इंजन साउंड भी सुनाएंगे और उसके बाद दोस्तों क्या फीचर नया है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये जो है साइड स्टैंड कट ऑफ इंजन वाले हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, और इसमें जो है जैसे कि साइड स्टैंड लगेगा गियर में तो ये बाइक बंद हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो है कनेक्शन वही वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको अभी मैं जो है स्टार्ट करके भी दिखाता हूँ कि कैसे ये चीज़ है। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर अगर आप सामने से देखेंगे तो कंपनी का कहना है कि पहले की अपेक्षा हमने लाइट में जो है इसका जो अंदर का फिनिशिंग आप देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा ब्राइट यानी कि तेज़ कर दिया है। अब लाइट पहले की अपेक्षा थोड़ा सा और भी अच्छा आपको मिलेगा, यानी कि लाइट में काफ़ी अच्छा कंपनी ने फिर से काम किया है इस बाइक में। जो कि हीरो की जो है पुरानी आदत है कि इस बाइक लाइट आपको बहुत ही कम मिलती थी, लेकिन अब आपको और सही मिलेगा। स्टिकर अब आपको यहाँ पर देख सकते हैं, इसका ग्राफिक जो है वो आपको अब नया मॉडल का मिलेगा, स्टिकर नया मिलेगा। और इंडिकेटर आप देखेंगे तो ट्रांसपेरेंट ग्लास पर बल्ब वाले ही मिल जाएंगे, जो कि दोनों आपको सेम ही मिल जाएंगे। और उसके बाद ये i3s वाले मॉडल है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं i3s यहाँ पर दिया गया है। और ये बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि i3s वाली की वीडियो बनाई जाए। और यहाँ पर हाई लोबिन का सिस्टम है, पासिंग की स्विच अभी नहीं दी गई है। आप सामने से अगर आप देखेंगे तो अभी भी आपको इसमें ट्यूब वाले ही टायर मिल रहे हैं, अभी ट्यूबलेस टायर नहीं मिल रहा है। बाकी IBS ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा यानी इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और अलॉय व्हील। अभी इसमें ट्यूबलेस टायर दोस्तों नहीं है, 2017-18 का यहाँ पर इसका टायर मिल जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों अगर टैंक पर अगर आप देखेंगे तो टैंक का जो डिज़ाइन है वो सेम आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मिल जाएगा। और ये 12/1/2022 की बनी हुई है, देख सकते हैं आप, ये जो है यानी कि 2022 की मैन्युफैक्चरिंग है और ये जो है 2021 वाली नहीं है, जैसा कि हम बताए हैं वही है सेम टू सेम नई मॉडल। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो i3s और सेल्फ, और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कितने बदलाव किए गए हैं, जैसा कि इस इग्निशन ऑन करिए तो यहाँ पर i3s और FI ये सारी चीज़ें जल जाएगी। और इंजन साउंड पहले मैं आपको सुना दूँ, इंजन साउंड की अगर आप देखेंगे दोस्तों तो वायरिंग भी अब आपको यहाँ पर कुछ नई मिलेगी, जैसा कि आप देख सकते हैं हल्की सी टाइपिट की नॉइज़ आपको रहेगी दोस्तों। अब उसके बाद दोस्तों एक जो फीचर इसमें नया है वो मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि बाइक अभी देख सकते हैं आप चल रही है और उसके बाद यहां पर हम इसमें जो है गियर डाल देते हैं, तो जैसे कि यहां पर गियर लग गई है बाइक चल रही है आप देख सकते हैं। ठीक, अब साइड स्टैंड, भैया शंकर भाई लगाओ साइड स्टैंड, गाड़ी बंद यानी कि साइड स्टैंड कट ऑफ इंजन, ये चीज़ जो है 2022 का एकदम लेटेस्ट मॉडल है। ये स्प्लेंडर और एचएफ डिलक्स दोनों में आ गया है। अगर आप जैसे बाई दबे बाइक चला रहे हैं और साइड स्टैंड लगाना भूल गए तो जैसे आप बाइक तो स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन जैसे गियर डालेंगे बाइक बंद, वो आपको सिग्नल मिल जाएगा कि साइड स्टैंड लगा है। या फिर बाइक चलाते वक्त अगर आप चलते चलते जा रहे हैं और उसके बाद दोस्तों जैसे कि आपको मान लीजिए खड़ी करना है तो यहाँ से चाबी से आपको बंद करने की जरूरत नहीं है, जैसे खड़ी करना है तो साइड स्टैंड पक्का है आपको मारना ही पड़ेगा। तो जैसे साइड स्टैंड मारेंगे आपकी गाड़ी बंद, सीधा खड़ी कर दीजिए। ये फीचर सेफ्टी के लिए हीरो कंपनी ने काफ़ी बेहतरीन काम किया दोस्तों। बाकी अब हम और फीचर की तरफ बढ़ते हैं, तो इसका जो सस्पेंशन है दोस्तों वो पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये दोस्तों सस्पेंशन जो है इसका साकर अगर आप देखेंगे तो पहले की अपेक्षा देखिए टू स्टेप तो भी इसमें एडजस्टेबल दिया गया है, जैसा कि स्प्लेंडर 5 स्टेप आता है, नहीं 5 बार आप इसको ऊंच नीच या जो है टाइट या स्लो कर सकते हैं। अब इसमें आपको झटका बहुत ही कम लगेगा और ये काफ़ी जो है इंप्रूव कर दिया है, यानी कि स्टेबिलिटी इसकी जो है सस्पेंशन की काफ़ी बढ़िया काम करेगी दोस्तों। बाकी फाइबर के चेन कवर आपको मिल रहा है और ये पहले भी आता था। और उसके बाद उसका इंजन अगर आप देखेंगे तो ये क्रोम फिनिशिंग पर आपको इंजन मिलेगा, लेकिन ये चीज़ जो है फाइबर का है। 4 गियर आपको मिलता है, 4 गियर पीछे ही लगता है और यहाँ पर साइड स्टैंड का सेंसर हो गया यानी ऑटो कट ऑफ इंजन। और ये इंजन हो गया दोस्तों आपका, और ये 97.2 cc सिंगल सिलेंडर OAC एयर कूल 8000 rpm पर दोस्तों बाइक है। और एवरेज की अगर हम बात करें तो 70 का माइलेज आपको आफ्टर 3 सर्विस यानी 3 सर्विस के बाद जो है ये बाइक आपको 70 का माइलेज देगी। बाकी जो है पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी की बात करें तो 9.5 लीटर का पेट्रोल टैंक कैपेसिटी भी है। और उसके अब दोस्तों हमने एचएफ डिलक्स की काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी है, बट i3s वाली हमने नहीं बनाया था। तो ये 2022 की i3s वाली एचएफ डिलक्स अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको फेड मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो इसके जो है डिलक्स के वाइट जो है आप देख रहे हैं इसमें, इसको फेड बोलते हैं, तो ये इसमें आपको वाइट का फेड मिलेगा पहले की अपेक्षा। इसका स्टीकर भी आपको नए मॉडल का मिलेगा। और यहाँ पर i3s आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है कलर है। बाकी पावर स्टार्ट FI प्रोग्रामेड इंजन है, जो कि सेम इंजन सेल्फ और की दोनों स्टार्ट आपको मिलेगा।
उसके बाद दोस्तों इसका इंजन जो है वो पहले की अपेक्षा अब इसमें जो है जैसा कि 80 वाट का आता था 85 वाट का जो है ये पावर जो है स्ट्रोक करेगा, जैसे कि लाइट जो है वो आपको आप पहले की अपेक्षा काफ़ी अच्छा मिलेगा और मैग्नेट भी काफ़ी बढ़िया हो गया है। और उसके बाद दोस्तों माइलेज भी अच्छा हो गया, स्टिकर भी बढ़िया हो गया और उसके बाद दोस्तों स्टेबिलिटी भी बढ़िया हो गई है। अब उसके बाद दोस्तों इसका हम टायर की बात करें तो टायर में अभी ट्यूबलेस टायर कंपनी ने किया नहीं है, बट बहुत ही जल्द हो सकता है आपको ट्यूबलेस टायर इस बाइक में देखने को मिल जाए, जो कि ये वीकनेस पॉइंट है दोस्तों। बाकी सीट हाइट अगर आप देखेंगे तो मान के चलिए कि अगर 5.5 फीट से ऊपर आपकी हाइट है तो दोनों पैर आराम से आएंगे, उससे कम है तो मान के चलिए कि ठीक ठाक है, बट जो है सीट हाइट इसकी स्प्लेंडर के मुकाबले ऊंची होती है दोस्तों। अगर आपकी हाइट कम है तो स्प्लेंडर आप खरीद सकते हैं। और यहाँ पर टेल लाइट अगर आप देखेंगे तो टेल लाइट के अंदर का जो डिज़ाइन है दोस्तों ये अब आपको नए मॉडल का मिलेगा। इस तरीके से आप देखते हैं इसमें सर्कल दे दिया जो कि फेयर से है और इसमें सर्कल आपको नए मॉडल का मिलेगा, यानी कि जब ये लाइट जलेगी तो कुछ अलग मॉडल का इसमें डिज़ाइन बनेगा दोस्तों। ये देख सकते हैं आप टेल लाइट इसमें बनावट जो है वो चेंज हो गई है। बाकी दोस्तों स्प्लेंडर प्लस में अगर आप देखेंगे तो ये जो नंबर प्लेट की यहाँ पर पत्ती एचएफ डीलक्स में दी गई है, ये चीज़ जो है वाइजर पर ही स्प्लेंडर में होता है, जो कि अगर चेंजिंग होता है उसमें ज़्यादा खर्चा लगता है, लेकिन इसमें जो है आपको पत्ती ही चेंज करानी पड़ेगी अगर टूटेगा तो, ये चीज़ काफ़ी अच्छा है। बाकी जो है सेम टू सेम आपको सारे फीचर्स वही मिलेंगे और सारी गार्ड भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों। इसकी अगर ऑन रोड हम प्राइजिंग की बात करें दोस्तों तो वो है 89,000, यानी कि जो है वो आपको आता था सबसे पहले, अब यहाँ पर इसकी जो ऑन रोड प्राइस है 2022 वाली वो आपको मिलेगी, सॉरी 89 नहीं है, इसमें जो है इसकी जो ऑन रोड प्राइस है दोस्तों वो है 78,000 से 89,000, यानी कि आप मान के चलो कि ये आईथ्रेस वाली अब आपको 80 के अप्रोक्स पड़ेगी, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश फैज़ाबाद ज़िले की ऑन रोड प्राइस है। लेकिन अगर आप जहाँ जहाँ रहते हैं, जहाँ से आप वीडियोज़ देख रहे हैं, वहाँ पर अपने नियर जो है शोरूम पर पता कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप ज़िला फैज़ाबाद से हैं तो यहाँ पर आपको नंबर दिया गया है शोरूम का, यहाँ से आप इस बाइक की जो है ऑन रोड प्राइस फाइनेंस प्राइस यानी कि अगर किस पर लेना चाहते हैं कम से कम डाउन पेमेंट भी आप पता कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑन रोड प्राइस मान के चलिए कि 80,000 है दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।